अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 10 का थ्योरम 3। हमारे पास क्वेश्चन है, टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। गिवन हमारे पास टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल विद सेंटर ओ। हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर ओ और एक पॉइंट सर्कल के बाहर है पॉइंट पी। उससे हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, पी ए और पी बी। टेंजेंट वो होता है जो सर्कल को सिर्फ वन पॉइंट पे मीट करता है, तो पी ए और पी बी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे मीट करते हैं। प्रूफ हमने ये करना है कि इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल है। सो मेजर पी ए इज़ इक्वल टू मेजर पी बी, हमने ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ विद ए बी एंड पी। ओ को हम ए बी और पी से जॉइन कर देंगे, सो डैट वी फॉर्म एंगल राइट ट्राइंगल्स ओ ए पी एंड ओ बी पी, ताकि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए पी और ओ बी पी फॉर्म हो जाए, जहाँ पे बी पे 90 डिग्री की एंगल होगी और ए पे 90 डिग्री की एंगल होगी। प्रूफ देखते हैं, स्टेटमेंट्स इन एंगल राइट ट्राइंगल्स ओ ए पी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ओ बी पी। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे। मेजर एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू मेजर एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने कहा एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री की हैं, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी और ये दोनों 90 डिग्री की हैं। इसकी रीज़न है रेडी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी। हम ये पिछले थ्योरम से पढ़ चुके हैं कि जब रेडियस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर हो तो वो 90 डिग्री की एंगल बनाता है, वो परपेंडिकुलर होता है। अगर ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट के तो इसका मतलब है वो 90 डिग्री की एंगल है। इसकी रीज़न ये है। फिर हाइपोटेनस ओ पी इज इक्वल टू हाइपोटेनस ओ पी। इसकी रीज़न है कॉमन, दोनों के पास एक हाइपोटेनस कॉमन है दोनों में, तो वो इक्वल होगा। सेम हाइपोटेनस है दोनों का और वो ओ पी है, सो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी और ये कॉमन है। मेजर ओ ए इज इक्वल टू मेजर ओ बी। अब हम एक साइड को इक्वल कह रहे हैं, वो है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये रेडियस हैं सेम सर्कल के। सो इसकी रीज़न है रेडी ऑफ द सेम सर्कल, सर्कल का रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये हमने एक साइड भी इक्वल प्रूव कर दी। देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसकी रीज़न है इन एंगल राइट ट्राइंगल्स हाइपोटेन्यूज साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज साइड। हमने हाइपोटेन्यूज साइड पॉस्टुलेट बनाया, हाइपोटेन्यूज और साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो हमारे पास ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। पहले हमने बताया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, कि ये 90 डिग्री है इनके पास। फिर हमने इनकी हाइपोटेन्यूज को इक्वल प्रूव किया, फिर साइड को। इस वजह से जब ये हाइपोटेन्यूज साइड पॉस्टुलेट बन गया तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। अब हम कहते हैं हेंस मेजर पी ए इज इक्वल टू मेजर पी बी। प्रूफ तो हमने यही करना था। अब हम ये कैसे प्रूव कर रहे हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, वो इसलिए, इसकी रीज़न यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आपकी बुक में नहीं लिखी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर साइड्स पी ए और पी बी हैं। तो जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हों तो उनकी साइड भी आपस में इक्वल प्रूव हो जाती हैं। हेंस मेजर पी ए इज इक्वल टू मेजर पी बी। इसकी रीज़न लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।